हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल पी ई एस क्लासेज एन दिस वरुण महाजन तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट टू ठीक है तो प्रैक्टिस सेट वन हमने डिस्कस कर लिया ये हमारा सेकेंड सेट रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस का तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के तो पहला क्वेश्चन हम आज का देखते हैं फंक्शन ऑफ़ सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है तो सी का आपको फंक्शन पूछा गया है कि सी uh, पी का क्या फंक्शन जो है वो रहता है बाकी ऑप्शन आपके सामने हैं तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा ठीक है अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे कि अगर हम uh, दे कंप्यूटर का सीपीयू को हम देते हैं टू प्लस थ्री है ना तो वो बताएगा कितना होता है ये फ़ाइव होता है ना तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस ओके तो एक होते हैं आपके लॉजिक ऑपरेशन लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं अब एक नंबर दिया आपने थ्री uh, और एक दिया आपने फ़ाइव तो अब आपने देखना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है तो अब यहाँ पे जो लॉजिक ऑपरेशन वो ये बताएगा कि फाइव इज ग्रेटर देन थ्री ओके तभी हम बोलते हैं कि ए एल यू जो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली इसका यही अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है और लॉजिक ऑपरेशन जो है वो करना होता है काम ठीक है तो ये हमने देख लिया तो यहाँ पे बेसिकली आपको पूछा गया है कि फ़ंक्शन बताना आपने सी पी यू का क्या फंक्शन जो है वो रहता है क्या अर्थमेटिक कैलकुलेशन रहता है क्या कंपेयरिंग बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ये भी बता चुका हूँ मैं ये रहता है ठीक है या फिर हम बात करें सर्च ऑफ डिज़ायर्ड डेटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी ये रहता है या डी आप बोल सकते हो ये दोनों या फिर आप बोल सकते हो कि नन ऑफ दिस ठीक है तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा क्या फंक्शन सी का सही ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि सीपीयू जो होता है आपके यहाँ पे एक आ, हम बोलेंगे कंट्रोल यूनिट होता है जिसको आप मैनेजर बोलते जो मैनेजमेंट करता है कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस को ठीक है जो भी सीपीयू में आपके होता है ठीक है तो ये एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है जिसको आप सी बोल सकते हो ओके तो फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट के बाद फिर हमारा एक आता है यहाँ पर ए एल यू लॉजिक यूनिट और यहाँ पे आपका आता है रजिस्टर्स आते हैं ठीक है ये रजिस्टर्स क्या होते हैं जैसे आपने टू प्लस थ्री दिया अब ये टू जो है ये जाके स्टोर होगा इस रजिस्टर में थ्री जो है ये स्टोर होगा इस रजिस्टर में ओके और जो ये प्लस है प्लस स्टोर होगा ये थर्ड वाले रजिस्टर में है ना तो अब इन दो का सम करके क्या आता है फाइव आता है और फाइव जो है ये हमारा जिस रजिस्टर में स्टोर होता है उस रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं अक्यूमुलेटर बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं अक्यूमुलेटर बोलते हैं ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं अक्यूमुलेटर बोलते हैं जहाँ पर हमारा फाइव जो है वो स्टोर होगा तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा यहाँ पे आपने देखा सी किससे बना हुआ कंट्रोल यूनिट से बना हुआ ए एल आ गया और रजिस्टर्स आ गया इन सब से मिलकर पूरा हमारा सी है बट यहाँ पे जो है आपका देख सकते हो कि सी का फंक्शन क्या बताया उसने बस यही बोला है उसने जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो ऑपरेशन होता है ना बस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो फंक्शन होता है ना इसने बस यही बोला है कि सिर्फ सी का यही काम रहता है जो कि सही बात नहीं है तो हम ये बोलेंगे इसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाता है नन ऑफ दीस ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ़ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईयू इनपुट आउटपुट ठीक है तो आप बताओ जी कौन सा हमारा uh, हम बोलेंगे कौन सा यूनिट है जो बेसिकली कंट्रोल uh, करता है ठीक है सिग्नल्स वगैरह बिटवीन द सी एंड आई बताओ नाम से पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट ठीक है इसका सही ऑप्शन क्या है कंट्रोल यूनिट जो है ये बेसिकली करता हूँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर थोड़ी स्पीड मैं थोड़ी तेज़ पकड़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है अगर मैं आपको ज़्यादा टाइम दूँगा टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको मैं टू थ्री सेकंड का टाइम दूंगा अगर आपको लगता है टाइम आपके लिए कम है तो कोई नहीं वीडियो को पॉज करो वीडियो को पॉज करके आंसर को अपने माइंड में रखो और जो मैं आंसर बना बताता हूं आपको उसके साथ मैच करो कि आपका सही आंसर जो है वो ठीक है या गलत है ठीक है तो बेसिकली इसलिए टू तो थ्री सेकेंड्स से मैं दूँगा ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दूंगा जैसे कि पीछे हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पाँच पाँच सेकंड से दिया थे जिसके कारण वीडियो की लेंथ लंबी हो गई थी कहीं है ना तो इसलिए मैं वीडियो की लेंथ को छोटी ही रखूँगा पूरी ट्राई करूँगा तो उसके लिए मैं दो तीन सेकंड का ही आपको टाइम दूंगा अगर आपको लगता है दो तीन सेकंड का टाइम कम है तो कोई नहीं वीडियो को पॉज करो पॉज करके अपने माइंड में आंसर देखो और जो मैं आंसर बोलता हूँ उसको मैच करो ओके चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या हमारा ट्वेंटी टू हो गया अब हम देखते हैं ट्वेंटी थ्री कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश इंटेलिजेंस ठीक है तो बताओ क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस प्योर इंटेलिज इंटेलिजेंस या फिर ऑल ठीक है बताओ कंप्यूटर इज नेम्ड एज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं uh, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ दी प्रोसेसर तो तीन आपको पार्ट्स और प्रोसेसर के देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं यानी कि आपका प्रोसेसर हम किसको बोलते हैं इसको आप डेटा प्रोसेसर भी बोलो या फिर सिंपली से आप प्रोसेसर भी बोलो ठीक है या फिर आप इसे सी पी यू भी बोल सकते हो ठीक है ना तो बेसिकली हम बात करें कि मैंने आपको कई बार बताया कि सी पी यू के कितने सारे कंपोनेंट्स हैं पहले भी बताया यहाँ पर आपका कंट्रोल यूनिट या आपका ए एल यू और ये आपके रजिस्टर्स ठीक है तो इसका फिर सही आंसर जो है वो क्या होगा ऑप्शन आपका ए एके चलो आगे ट्वेंटी फिफ्थ देख लेते हैं ट्वेंटी फिफ्थ में यहाँ पूछा गया है कि बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि फंक्शन क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सी का फंक्शन क्या है ठीक है ये रिपीटेड क्वेश्चन और एस बी आई में पूछा भी गया है ठीक है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसका क्या फंक्शन है इन चार में से बताओ आप ओके बताओ ओके okay, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ट्वेंटी सिक्स की बात करते हैं ट्वेंटी सिक्स बेसिकली यहां पे पूछा गया है कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर ठीक है तो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो आपको बतानी है लिमिटेड है अनलिमिटेड है लो है या फिर हाई है बताओ या नन ऑफ दीज सही आंसर है कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी क्या होती है लिमिटेड होती है नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज बताओ क्या सही ऑप्शन होगा प्रिंटर कीबोर्ड सीपीयू हार्ड डिस्क या नन ऑफ दिज ओके चलो ट्वेंटी uh, एट हम बात करते हैं ट्वेंटी एट आ गया ठीक है थोड़ी स्पीड में थोड़ी तेज़ रख रह रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करो और देखो आपकी कितनी तैयारी यहाँ तक अभी पहुँची हुई है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे हम पेपर ये जो बेसिकली प्रैक्टिस सेट को करने का यही बेनिफिट होता है आप अपने आप को चेक कर सको ठीक नेक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी कंप्यूटर जो है एक डिवाइस है विच इज एबल टू स्टोर द डेटा या फिर एक डिवाइस है विच इज़ एबल टू एनालाइज द डेटा या फिर एक डिवाइस है विच इज एबल टू मेनटेन फुल सिक्योरिटी या फिर समटाइम अटैक बाय वायरस ठीक है तो आप बोल सकते हो उसका सही ऑप्शन क्या होगा बताओ हम बोलेंगे ऑल ठीक है यानी कि आपको सारी चीजें देखने को मिलती है ये कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा का स्टोर भी करता है सही बात है कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को अनालिसिस करता है ये भी सही बात है एक कंप्यूटर एक डिवाइस है जो बेसिकली फुल सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है ठीक है कंप्यूटर की और हम बात करें कभी कभी आपको वायरस भी जो है अफेक्टेड होता हुआ कंप्यूटर देखने को मिलता है ठीक है तो मान लीजिए इसका सही ऑप्शन क्या है ऑल ऑल ऑफ़ दी अबव तो ये उत, उत्तरांचल पी सी एस जो है प्री दो हज़ार पाँच ये भी पूछा गया है ये भी आप देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा सही ऑप्शन है इसका ए ठीक है आपको पता है कि आ, ये जो पूरा आपको ये जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल की मैं बात करूं तो आपको पता है पहले आप यहाँ पे सी पी यू है ठीक है सी पी यू है यहाँ पर आप इनपुट कोई भी चीज़ देते हो ठीक है इनपुट देते कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू चाहे वो आपका कीबोर्ड होगा चाहे वो आपका माउस होगा कोई भी कमांड इनके थ्रू आप देते हो सी में है ना तो आपने इनपुट दिया यहाँ पर वही जो आपने डेटा दिया उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है प्रोसेसिंग होकर फाइनली आपको क्या मिल जाता है आपको मिल जाता है आउटपुट है ना तो हम यहाँ पे बोलेंगे बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल जो है इसमें क्या, क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको इनपुट देखने को मिल रहा है और आपको प्रोसेसिंग यानी कि सी में देखने को मिलती है वो और आपको फाइनली आपको आउटपुट मिलता है तो इसका सही ऑप्शन क्या बन जाता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपेयर इज ठीक है uh, is, तो बेसिकली पूछा गया है कंपेयर इज अर्थमेटिक फंक्शन ऑफ ए एल यू लॉजिक फंक्शन ऑफ ए एल यू ठीक है या फिर हम बात करें इनपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए एल यू या फिर ऑल आएगा या फिर नन ऑफ दिस बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका सही ऑप्शन है इसका आपका लॉजिक लॉजिक फंक्शन ऑफ ए एल यू मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो uh, हम बात करें यहाँ पे सी पी यू में आपका ए एल यू होता है और ए एल यू में आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ठीक है तो आपको पता है ए एल यू जो है ये आपका क्या है एक आपका लॉजिक फंक्शन है ठीक है क्योंकि आपको यहाँ पे कंपैरिजन पूछा गया है है ना आपको कंपैरिजन पूछा गया और आपको पता है कंपेयर का मतलब क्या होता है जब भी कंपेयर करते हैं तो वो कौन सा काम वो जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो ए एल यूज़ का जो लॉजिक फंक्शन है ना वो बेसिकली उसी का ही काम होता है कंपैरिजन वगैरह जो है वो करना है, जैसे कि टू है और थ्री है बताना है जिसमें से कौन सा बड़ा नंबर है तो बोल गए थ्री इज़ अ ग्रेटर देन टू तो ये बोलेंगे गए ए एल यू का जो लॉजिक लॉजिक ऑपरेशन है वो बेसिकली यहाँ पे हमें आ, रोल प्ले करता हुआ देखने को मिलता है जो ये बताता है कि थ्री इज़ अ ग्रेटर देन टू ठीक है तो मतलब कि यहाँ पे कंपेयर पूछा गया है कंपेयर क्या होता है कंपेयर होता है आपका ये एक लॉजिक फंक्शन होता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ठीक है तो अर्थमेटिक मैंने आपको बता दिया अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है ए का अर्थमेटिक फंक्शन यही होता है जैसे बोला जाए कि जी प्लस टू प्लस थ्री ठीक है तो क्या है ये फाइव है तो ये बेसिकली क्या अर्थमेटिक फंक्शन आ गया किसका ए का ओके और लॉजिक फंक्शन में क्या होता है कंपैरिजन की बात की जाती है कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है ठीक है दो के बीच में कंपैरिजन की बात होती है तो सही ऑप्शन थर्टी का क्या बनेगा आपका बी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्योरी फॉर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ठीक है तो बेसिकली बताओ उसका सही ऑप्शन क्या होगा ओके okay, आगे चलते हैं नेक्स्ट आता है हमारा मेन कंपोनेंट सीपीयू का रिपीटेड क्वेश्चन है फिर पूछा इन्होंने बार बार तो सीपीयू का मेन कंपोनेंट आपको कौन सा देखने को मिलता है ये पूछा गया है तो बताओ ऑल क्योंकि मैंने आपको बताया था सी में क्या होता है आपके यहाँ कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एयरली और यहाँ पर आपको रजिस्टर्स और रजिस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली आपकी मेमोरीज ही होती हैं ठीक है थीके? तो हम ये बोलेंगे ये आपको तीन देखने को मिलते हैं कंपोनेंट सीपीयू के नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर आपको डेटा आपने कंप्यूटर में दिया अब वो डेटा की प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसिंग होकर हमें प्रोसेस्ड डेटा जो हमें मिलता है ठीक है उसी प्रोसेस डेटा को क्या बोला जाता है ईजी है पता होगा सबको ये बोला जाता है प्रोसेस डेट प्रोसेस डेटा जो है हमारा कंप्यूटर का उसको बोला जाता है क्या बताओ दो सेकंड दूंगा और एक चीज़ जब मैं आपको ऐसे हिंदी में समझा रहा होता ना साथ आपको टाइम मिल गया होता है अपना आंसर माइंड में देख लिया करो ठीक है आपका ही बेनिफिट है जितना कम टाइम मैं आपको दूंगा सोचने के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हो पाएंगे है ना तो सही ऑप्शन क्या है इसका आउटपुट क्योंकि कोई भी डेटा उसकी जब प्रोसेसिंग करते हैं प्रोसेसिंग करके फाइनल जो हमें आउटपुट फाइनल प्रोसेस डेटा जो हमें मिलता है ठीक है उसको हम बोलते हैं क्या आउटपुट या वो आपका आउटपुट क्या हो सकता है टेंजिबल हो सकता है या वो इन होगा टेंजिबल जैसे कि आपका कोई आपने हार्ड कॉपी निकाल दी प्रिंटर के थ्रू है ना तो वो टेंजिबल आ गया आउटपुट ठीक है या फिर आपका इनटेंजिबल होगा तो आपका वो मेमोरी में आपने स्टोर करवा दिया है ना या फिर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन मॉनिटर जो है उसमें आप देख रहे हो तो वो आपका इनटेंजिबल है तो हम बोलेंगे आउटपुट आपका टेंजिबल भी हो सकता है आउटपुट आपका जब इनटेंजिबल भी हो सकता है ठीक है वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस फॉर्म में लेना चाहते हो नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन सी की बात करते हैं तो सी का फंक्शन क्या रहेगा ये पूछा गया है तो हम बोलेंगे सी के सारे फंक्शन होते हैं कंट्रोल करना इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी ठीक है आपको होता है यहाँ सी में आपका कंट्रोल यूनिट होता है यहाँ पे आपका जो है ए एल यू यहाँ पर आपका रजिस्टर जो कि एक मेमोरी होती है ये क्या करता है स्टोर वगैरह जो है वो करता है जो भी कमांड इंस्ट्रक्शन दी जाती है यहाँ पे स्टोर होती है फिर उसके बाद फिर क्या होता है फिर हम ये देखते हैं ये रजिस्टर से जो भी जैसे कि आपने टू प्लस थ्री दिया ठीक है टू यहाँ पर एक रजिस्टर इसमें सेव हुआ और थ्री जो है नेक्स्ट जो छोटा सा ये रजिस्टर इसमें सेव हुआ प्लस जो है थर्ड रजिस्टर यहाँ पे सेव हुआ इन दो का सम पाँच जो है वो यहाँ पे सेव हुआ है ना तो ये बेसिकली ये जो है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो टू लेगा प्लस लेगा तो थ्री थ्री लेगा ठीक है फाइनल यहाँ पे फिर फाइव आएगा यहाँ पे सेव होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डाटा यहाँ पे जा रहा है ए एल में यहाँ से इस पर ऑपरेशन होकर डाटा फाइनली रजिस्टर्स के अंदर जो है वो जाके वो सेव होता है फाइनल जो आपको पाँच है ना ये इसको बोलते हैं ये सेव होता है हमारा जिस रजिस्टर में उसको होता है क्यूमेलेटर है ना तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे डेटा की स्टोरेज हो रही जो कि हमारा ये ऑप्शन ठीक ठीक है बाकी कंट्रोल यूनिट आपको पता है ये पूरा फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये सारा कुछ मैनेजमेंट करता है ठीक है और बाकी जो भी फंक्शन सी में सब कुछ मैनेज किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा तो फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक हो गया हमारा और आपको पता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो भी कमांड आप देते हो उस कमांड उस इंस्ट्रक्शन को जो है वो रीड करने का भी काम करता है सी ठीक है तो आपको पता है कोई भी कमांड दोगे वो जैसे कि आपने यहाँ पे बोला पी ई एस क्लासेस अब कंप्यूटर आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है मशीन लैंग्वेज समझता है इसको ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा वन जीरो की बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कंप्यूटर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है फिर फाइनल जो भी आउटपुट होगा वो हमारे तक पहुंचता है और हमारे तक जो आउटपुट पहुंचेगा आपको पता है हम लोग वन जीरो की फॉर्म में लैंग्वेज को समझ नहीं समझ सकते फिर इसी को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है उस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जैसे हमने पी क्लासेस की कमांड दी थी इसी लैंग्वेज में जो है फाइनल आउटपुट हमें जो है वो कन्वर्ट होकर हमें मिल जाता है ठीक है बाकी वो आप देखेंगे कि वो कंपाइलर वगैरह होते हैं ठीक है कुछ कंपाइलर होते हैं कई असम्बलर्स का यूज़ किया जाता है ठीक है वो सब काम करते हैं क्या करने का इस जो एक लैंग्वेज है उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ठीक है जैसे ये पी ई एस क्लास जो था ये एक लैंग्वेज थी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज थी इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी लैंग्वेज में वो लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे कंपाइलर्स होते हैं फिर उसका देखते हैं कि यहाँ से जब आउटपुट हमें मिलेगा आउटपुट से यही देखा मशीन लैंग्वेज या फिर आप बोलो कि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज उससे कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे भी कंपाइलर्स कुछ होते हैं वो क्या करते हैं उसको कन्वर्जन करने का काम करते हैं ठीक है थीके? बाकी ज़्यादा डिटेल हम नहीं देखेंगे आई थिंक आपको सब कुछ पता ही है आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है अच्छे से ठीक है तो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे बेसिकली मेरा यहाँ पर मेन गोल मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी रिविज़न देखना कि आप लोगों ने कितना अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ है आपके आंसर सही भी निकल रहे हैं या नहीं तो बताओ जी सीपी का फंक्शन क्या है तो हम बोलेंगे ये चारों बन जाते हैं ठीक है सॉरी तीनों बन जाते हैं ठीक है तो ये हमने देख लिया थर्टी फोर का नेक्स्ट चलते हैं थर्टी फाइव वट इज आउटपुट तो आउटपुट क्या है ईजी है पता होगा सबको बताओ फिर भी विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर तो आपको पता है ये सीपी यू है सीपी यू में आपने कोई भी इनपुट दिया प्रोसेसिंग हुआ उस डाटा के ऊपर फाइनली ये यूज़र जो है ठीक है इसको फाइनली ये आउटपुट जो है वो मिलता है ठीक है जो आउटपुट हमें मिले जो रिजल्ट हमें मिले फ्रॉम द प्रोसेसर से ठीक है प्रोसेसिंग होने के बाद उसको बोलते हैं क्या आ, दिस इज़ नोन एज आउटपुट ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच डज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड कंपैरिजन तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ठीक है ये होता है जी अर्थमेटिक फंक्शन होता है अर्थमेटिक फंक्शन ऑफ ए एल यू ए एल यू का अर्थमेटिक फंक्शन है ठीक है तो हम ये बोलेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ठीक है तो ये फंक्शन किसका है हमारा अर्थमेटिक अर्थमेटिक फंक्शन है किसका ए एल यू का और जो कंपैरिजन है ये फंक्शन आपका लॉजिक फंक्शन ठीक है लॉजिक ऑपरेशन है किसका ए एल यू का ठीक है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही ऑप्शन बन जाता बाकी डिटेल में हमने पहले देखा हुआ है बार बार डिटेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है ठीक है चलो आगे थर्टी सिक्स हो गया थर्टी सेवन की बात कर लेते हैं जनरल मैथमेटिकल ऑपरेशन डेट परफॉर्म फॉर सी पी यू इस तो हमने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इस टाइप की जो ऑपरेशन जो सी पी यू का जो है वो कौन करता है आपको पता ही है तो वो करता है ए एल यू ठीक है ए एल यू का अर्थमेटिक फंक्शन जो होगा या अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है हमारा ए एल यू का वो बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न इस टाइप की चीज़ें जो है वो करता है ठीक है चलो आगे थर्टी एट देख लेते हैं बेसिक गोल ऑफ़ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डेटा इनटू बताओ देखो अब आपने देखा ये आपका कंप्यूटर है या फिर आप बोल सकते हो कि सी बोल दो आप ठीक है या कंप्यूटर बोलो आप इसको आपने क्या किया कुछ भी आपने डेटा इसको एज ए इनपुट आपने कोई डेटा इनपुट किया इनपुट डेटा दिया ठीक है तो आपने कोई डेटा वगैरह इसको दिया ये उस डेटा के ऊपर क्या करेगा प्रोसेसिंग करेगा ठीक है अभी ये जो हमारा डेटा था ये हमारा रॉ फॉर्म में था थोड़ा आ, मतलब कि बिखरा हुआ था अब इसको प्रोसेस अच्छे से अरेंज करेगा अरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एज ए आउटपुट के तौर पर तो आपने क्या देखा यहाँ पे बेसिक गोल कंप्यूटर का क्या निकल कर आया कंप्यूटर प्रोसेस का बेसिक गोल यही निकल कर आया कि जो भी हमने इनपुट दिया वो एक एक मतलब मीनिंगफुल नहीं था ठीक है टूटा फूटा था तो उस इनपुट को क्या किया कंप्यूटर ने अच्छे से अरेंज किया और हमें जो इन मिलेगा डाटा वो हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा और जो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है ठीक है उसी को ही हम बोल देते हैं कि हमारा वो आउटपुट निकल कर आ रहा है तो यहाँ पे वही पूछा है बेसिक गोल के कंप्यूटर प्रोसेस का कि यही डेटा जो भी आप देते हो रॉ डेटा है जंक डेटा है उसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ठीक है तो थर्टी एट का क्या आ जाता है आपका सी ओके थर्टी नाइन हम बात करते हैं सी पी यू कंटेंस ईजी है बढ़िया बता चुका हूँ ठीक है रिपीट हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन तो कोई बात नहीं आपका रिविजन ही हो रहा है और ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ठीक है तो आपको होता है सीपीयू में क्या आता है कंट्रोल यूनिट आता है एलयू आता है ठीक है और आपके रजिस्टर्स आते हैं ठीक है सॉरी ये नहीं होगा नन ऑफ दिस क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर्स नहीं लिखा हुआ इन्होंने और आपको होता है सी में क्या आता है आपका कंट्रोल यूनिट आता है ए आता है और आपके रजिस्टर्स आते हैं ठीक तो है तो आएगा आपका ऑप्शन ओके नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर तो कंप्यूटर को बेसिकली यूज़ करने का क्या बेनिफिट रहता है एक सेकेंड हमने क्या किया है एक सेकेंड एक सेकेंड ओह ये क्वेश्चंस कुछ रह गए ये भी क्वेश्चंस थे चलो इसको भी देख लेते हैं हाँ ये क्वेश्चंस रह गए यार चलो कोई नहीं देखते हैं इसे ये ये वाला पेज करके हम यहीं पे एंड कर देंगे लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे लेक्चर की लेंथ जो है वो लंबी जा रही है ठीक है देखो द इन्फॉर्मेशन डेट यू पुट इन टू द कम्प्यूटर इज़ कॉल्ड जो भी इन्फॉमेशन आप कंप्यूटर को देते हो तो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है डाटा जो बता चुका हूँ आपको मैं डाटा जो होता है आपका वो रॉ फॉर्म में होता है चंग फॉर्म में होता है वो प्रॉपर एक अरेंज नहीं होता वो आप बेसिकली कंप्यूटर को देते हो और कंप्यूटर्स पर काम करके प्रोसेसिंग करके आपको जो आउटपुट देता है वो एक मीनिंगफुल इन्फॉमेसन आपको प्रोवाइड करता है ठीक है जो आपको समझ भी आ सके है ना यहाँ पे अभी आपको चीज़ समझ नहीं आएगी उस प्रोसेसिंग होती फाइनली आपको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये हम क्या देख रहे हैं जो कंप्यूटर को दिया जा रहा है वो क्या है आपका डेटा ठीक है तो ऑप्शन इसका बी आ जाएगा थर्टी नाइन का नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्टी नाइन हो गया अब हम बात करेंगे फोर्टी अर्थमेटिक ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व मैचिंग वन डेटा आइटम विद अनदर ठीक है टू डिटरमाइन इट द फर्स्ट आइटम इन ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन अदर आइटम ठीक है तो ऑर्थोमेटिक ऑपरेशन का क्या काम होता है बाकी अब यहां पे ऑप्शन खुद पढ़ लो यार ठीक है पहला ऑप्शन मैंने पढ़ लिया है सेकेंड देखो थर्ड देखो फोर्थ देखो और उसका सही आंसर मुझे बताओ देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन का क्या काम रहता है अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम रहेगा हमारा यहाँ पे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ठीक है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये तो होगा ही नहीं ठीक है बाकी सॉर्ट डेटा आइटम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड ये भी छोड़ो ये भी नहीं है ठीक है जो अजीब सी स्टेटमेंट दिख रही है ये भी नहीं है अच्छा इन्वॉल्व मैचिंग वन डेटा आइटम विद अनदर डेटा डिटरमाइनेट द फर्स्ट टर्म हाँ आ गया आपका लॉजिक ऑपरेशन या सिर्फ ये वही बात कर रहा है यहाँ पे अर्थमेटिक की बात नहीं हो रही तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा ठीक है तो आ जाके फिर हम क्या बोलेंगे ये बन जाता है आपका ये अर्थ सी पी यू में काम होता है एडिशन का सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का ये सारा हमें जो यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है तो सही ऑप्शन क्या बन जाता है फोटी का सही ऑप्शन बनता है इसका ऑप्शन डी नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्टी वन की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व होता है तो प्रोसेसिंग में हम ये बोलेंगे तो देखो आप ऑप्शन देखो फिर मुझे बताओ मैं उसका आंसर बताता हूँ आपको ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इंटू आउटपुट तो पता आपको सी पी यू है यहाँ पर आप इनपुट देते हो और प्रोसेसिंग ये प्रोसेसर होता है इसको आप डेटा प्रोसेसर भी बोल सकते हो या सी पी यू भी बोलो या इसी इनपुट डेटा पर क्या करेगा प्रोसेसिंग करेगा और इसको ट्रांसफॉर्म करेगा इनपुट डेटा को किस में आउटपुट में ठीक है तो हम ये बोलेंगे कि प्रोसेसिंग इन्वॉल्वस इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन टू द आउटपुट तो ऑप्शन इसका बी आएगा आपका फोर्टी वन का नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्टी टू की बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस इन कट्ठा इनको इकट्ठा कर लो तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं क्या बन जाते हैं ये पूछा गया है तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा जैसे देखो ये आपका आ गया सीपीयू ठीक है या आपका प्रोसेसर या फिर इसको डेटा प्रोसेसर बोलो या आपका इनपुट डिवाइस ले लो कोई भी ले लो आप कीबोर्ड ले लो माउस ले लो ठीक है या आपका इनपुट डिवाइस आ गया और ये आपका आउटपुट आउटपुट डिवाइस में आप सपोज यहाँ पे प्रिंटर ले लो ठीक है प्रिंटर ले लो तो आपने इनपुट किया कीबोर्ड के थ्रू कमांड वगैरह दिया माउस के थ्रू कमांड दी उस कमांड के ऊपर जो है प्रोसेसिंग की जाएगी सीपीयू के द्वारा फाइनली वही डेटा एक आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है दिया जाएगा उसको आप प्रिंट निकाल सकते हो प्रिंटर के थ्रू ठीक है तो ये पूरा क्या चीज़ बनाते हैं ये पूरी चीज़ बनाती है हमारा कंप्यूटर सिस्टम ठीक है ये पूरा आपका क्या बनाता है कंप्यूटर सिस्टम तो सही ऑप्शन क्या है इसका डी नेक्स्ट फोर्टी थ्री हम देख लेते हैं ये सेकंड लास्ट है इसके बाद हम फोर्टी फोर देखेंगे और लेक्चर को कंप्लीट करेंगे यहीं से द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज इट्स बताओ सही तो ऑप्शन है इसका एड्रेस ठीक है अब आपको पता है कि आपको कोई भी डेटा है ठीक है उसके बारे में अगर आपने लोकेशन पता करनी है तो वो बेसिकली क्या होता है आपका वो उसका एड्रेस होता है ठीक है बाकी हम पढ़ेंगे एक आपकी जैसे कि एड्रेस बस भी होती है ठीक है एक्सटर्नल बस आपकी ठीक है डेटा बस होती है आपकी तो ये सारी हमें जो है वो देखने को मिलती है जो कैरी करती है एड्रेस को एड्रेस बस और डेटा बस जो कैरी करेगी डेटा वगैरह ठीक है तो ये सब कुछ हम चलो इतना डिटेल में तो नहीं देखेंगे हम तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है क्या ऑप्शन है इसका एड्रेस नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्टी फोर्थ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ठीक तो तो है तो डैश इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट डज द अर्थमेटिक ऑपरेशंस या कैलकुलेशंस ठीक है तो ईजी है कई बार रिपीट हो चुका है आई थिंक आपको पता भी चल चुका होगा सही ऑप्शन इसका क्या बन जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है यही अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशन जैसे कि एडिशन जैसे कि सब्ट्रैक्शन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि डिवीज़न और कंपैरिजन, ठीक है वो भी करता है इसका जो लॉजिक ऑपरेशन uh, होते हैं हमारे ए के बेसिकली उनके द्वारा किया जाता है ये ठीक है तो सही ऑप्शन क्या है इसका ए तो ये हो गया हमारा बाकी फोर्टी फाइव तक हमने डिस्कस कर लिया बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू टेक केयर बाय बाय